बाने पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मयसर हैं। जेल इंतजामिया के मुताबिक बाने पीटीआई को जेल में तमाम तर सहूलियात मयसर हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बाने पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मयसर हैं। बाने पीटीआई की सेहत, खुराक, मुताले समेत तमाम सहूलियात मयसर हैं। बाने पीटीआई को खाना तैयार करवाने के लिए एक मुशक्कती भी फराहम किया गया है। बानी पीटीआई को नाश्ते में चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और कॉफ़ी दिए जा रहे हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है। जेल इंतजामिया का कहना है कि बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है। मजीद अपडेट जानेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी से। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे, शाहजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा, बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मयसर हैं, दीगर तमाम तर चीज़ों के हवाले से जेल सुपरिटेंडेंट ने क्या कन्फर्मेशन दी है, अपडेट कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अटल जी इंतजामिया का मौका भी सामने आ गया है। इस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात जो उनसे हैं वो मयसर हैं और बानी पीटीआई की सेहत, खुराक और मतला जो उसमें तमाम सहूलियात है वो मयसर हैं। इसके अलावा बानी पीटीआई को खाना तैयार करवाने के लिए एक जो मशक्ति है वो फराहम किया गया है। इसके अलावा बानी पीटीआई को नाश्ते में चिकंदर का जूस, दही, बिस्किट और ये चीजें जो उनसे वो दी जाती हैं और बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में जो उनसे वो तैयार होता है और जेल डॉक्टर जो उनसे तीन मरतबा वालती का जो है मुआयना करते हैं और दो हफ्तों की चेकिंग के दौरान बानी पीटीआई का किसी किस्म की बीमारी नहीं है और इसमें पिंज अस्पताल के माहिर डॉक्टर ने कभी मुआयना किया है जिसकी तसली बख्श उनसे रिपोर्ट मौजूद है और बानी पीटीआई को रोजाना की बुनियाद पर अखबार की सहूलत भी मयसर है और सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई के मुताबिक जो अफवाह फैल रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है। बानी पीटीआई को खुराक और मुतला और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। मजीद कहा कि बिजली की बिला तातुल जो है फरामी दी जाती है। बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी को बतौर बावर्ची फराम किया गया है और प्रोफेशनल कैदी बावर्ची इनका नाश्ता, दोपहर और रात का खाना जो है इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा मजीद मौका सामने आया है जिसमें बानी पीटीआई नाश्ते में काफी जो चिकंदर का जूस वगैरह, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें जो उनसे वो खाते हैं और दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी और दही, चपाती, सलाद और ग्रीन टी और मटन जो उनसे वो खाते हैं। इसके अलावा दलिया, कोकोनट और जूस और अंगूर वगैरह भी जो है वो खाते हैं और खाना जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में जो है पकाया जाता है। अखबार भी फराहम की जाती है और दो घंटे की वर्जिश भी करने देते हैं और बी क्लास में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के तमाम जो है इंतजाम जो है मुकम्मल है और इस हवाले से सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी पीटीआई के हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई के हवाले से जो तमाम तर पहले खबरें चलती रहीं, आपने फरमाया कि उसमें कोई सदाकत नहीं है, आप इन तमाम तर कन्फर्मेशंस के बाद क्या पीटीआई की जानिब से भी कोई वाज़े कोई स्टेटमेंट सामने आई है जैसा कि ये कंफर्म किया गया कि उन्हें किसी किस्म की कोई वहाँ पर सहूलत जो है उसे महरूम नहीं रखा जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर तमाम तो जाम रहनुमा तो जो शिकायत छिक पे शिकायत देकर चल रहे थे कि जनाब उन्हें तमाम तर सहूलियात वापस ले ली गई हैं, उन्हें जो है वो तमाम तर चीज़ें जो पहले मयसर थी उनसे महरूम रखा गया है, तो क्या अब उन्होंने कोई इस पर अपना स्टैंड दिया है? देखिए, आज जब उनके जो रहनुमा थे वो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जेल तक महदूद कर दी, उन्हें वर्जिश के जो है वो इजाजत नहीं दी जाती है, इसके अलावा अखबार के बारे में बताया गया वो नहीं दी जाती है। ये मौका सामने आया उसके बाद ये जेल इंतजामिया की जानिब से मौका आया कि जिस किस्म की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है उनमें कुछ सदाकत नहीं है। हर जो बी क्लास कैदी को सहूलत मयसर की जाती है वो तमाम तर सहूलतियात जो उनसे मयसर हैं और इस हवाले से खाने पीने में भी जो चीज़ें उन्होंने वाजिया की हैं कि ये चीज़ें जो उनसे हैं वो पकाई जाती है उनके लिए और उनकी डिमांड पे पकाई जाती हैं स्पेशल और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनकी निगरानी में खाना फराहम किया जाता है। इसके अलावा दो घंटे वर्जिश के लग दिए जाते हैं, अखबार की सहूलत दी जाती है, ये तमाम तर सहूलियात दी जाती है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि बानी पीटीआई के बीमारी के मुतालिक जो है खबरें गर्दिश कर रही थी, अफवाहें थी, क्योंकि बानी पीटीआई से जब दोबारा डॉक्टर ने उसके उनका चेकअप किया तो वो जो रिपोर्ट है वो मस्बत आई है, वो सामने आई है, उसमें कोई सदाकत जो है वो नजर नहीं आई है। बानी पीटीआई जो है जेल में बिल्कुल जो है वो ठीक पाए गए हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पर पहले भी जो है अफवाहें वो गर्दिश करती रहती थी, इस हवाले से जेल इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर इस पर तरदीद कर दी है। जी, अपडेट कर रहे थे शाज़िम मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का भी ऑफिशियल मौकफ जो है वो सामने आया है जिसमें बानी पीटीआई को अडियाला में बी क्लास की तमाम सहूलियात की फराहमी के हवाले से बात की गई कि उन्हें बी क्लास की तमाम सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है, दो घंटे वर्जिश के लिए भी दिए जाते हैं।
बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिना तातुल फराहमी भी जारी है। अब बी क्लास के तहत बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी कुक फराहम किया गया है। प्रोफेशनल कैदी कुक उनका नाश्ता दोपहर और रात का खाना उनकी मर्जी से तैयार करता है। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, इसके साथ साथ चिया सीड, चिकंदर का जूस, दही, चपाती, दही, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी पीटीआई रात में दलिया, कोकोनट, कोकोनट जूस और अंगूर वगैरह खाते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल में मुतायन डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना भी करते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के मेडिकल टेस्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। 2 रोज़ कबल पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने भी बानी पीटीआई का मुआयना किया। बानी पीटीआई को रोज़ाना की बुनियाद पर अखबार भी फराहम किया जाता है। बानी पीटीआई रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। बी क्लास में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी पीटीआई के हवाले से फैलाई जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं।